दोस्तों टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार का नाम आज भी म्यूजिक एंड बॉलीवुड में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। जहां तक कि टी सीरीज दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन क्या आप उनके हत्या के असल कारण और असल किरदार के बारे में जानते हैं? आपने सिर्फ दाऊद का पालतू अबू सालेम और संगीतकार नदीम का नाम ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है नदीम सैफी और अबू सलेम पर केस क्यों नहीं चला? अब जाकर महान कलाकार गुलशन कुमार की हत्या का असली कारण और छुपे लोगों का नाम सामने आया है, तो पूरी स्टोरी बारीकी से गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक की बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और साथ में आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्टोरी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ये सब फ्री है और हम लोगों को हिम्मत देती है अपने काम को और अच्छे से करने के लिए, तो हमें अपने कमेंट के द्वारा अपनी राय अवश्य दें। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी, एंटरटेनमेंट का हैवी डोज। दोस्तों 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कुमार सानू नए किशोर कुमार बन चुके थे। इस फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिली। म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार ने जो जगह बनाई, शायद ही वो कोई और बना पाएगा। उनके जैसा दिग्गज गायक अभी तक कोई नहीं है। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई को हुआ था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। उनकी गायकी कमाल की है। हर कलाकार की ये चाहत थी गुलशन कुमार उनके गाने को आवाज दे। उन्होंने टी सीरीज के कैसेट से लोगों के घर तक संगीत पहुंचाया, जिससे संगीत को एक नया आयाम मिला। उनके संगीत के पीछे लोगों की आज भी दीवानगी है। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी कला के जरिए वो सभी के दिल में जिंदा है। आपको बता दें कि गुलशन अपने पिता के साथ दिल्ली के दरियागंज बाजार में फलों के जूस की दुकान लगाया करते थे। भले ही फलों की दुकान से गुलशन कुमार की करियर की शुरुआत हुई हो, लेकिन अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर वो म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गए थे। खुद को उन्होंने गायकी की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। गुलशन कुमार के संघर्ष की कहानी जीरो से हीरो बनने तक की है। उन्होंने धीरे धीरे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और मशहूर होते चले गए। दोस्तों इसके बाद का दशक टी सीरीज के नाम रहा। अनुराधा पौडवाल नई लता थी, सोनू निगम नए रफी, दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। ये सब हुआ एक 7 रुपए की कैसेट की बदौलत, और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। कई लोग अक्सर कहते हैं कि 80 के दशक में हिंदी सिनेमा का संगीत नीचे गिरना शुरू हुआ, जो मिड 90s तक चला। इसके पीछे पश्चिम के डिस्को और पॉप संगीत के प्रभाव, जैसे कारकों के साथ साथ टी सीरीज और गुलशन कुमार भी एक प्रभावी कारक थे। 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे, टिप्स और सारे गामा को पिछड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी टी सीरीज के पास थे। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। रियल स्टेट चरमरा चुका था और अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। हत्या की चार्जशीट में अबू सलेम का नाम भी शामिल था, लेकिन जब भी अदालत में उसका नाम आया, उसके नाम के आगे एब्सेंट लिख दिया गया। तब भी जब वो मुंबई में ही आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था, गुलशन कुमार हत्या में अबू सलेम पर केस क्यों नहीं चल पाया? कैसे हुई गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? आइए जानते हैं। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड। 12 अगस्त 1997 की तारीख, मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला भी था। घड़ी 10:10 बता रही थी जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की मारुति एसटीएम से उतरे। सामने शिव मंदिर था। आपको बता दूं कि नदीम श्रवण की जोड़ी जितनगढ़ में बना यह मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल लगाकर मंदिर को नया बनवाया। तब से हर सुबह शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की।
जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े थे। आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं ये समझने के लिए कि गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले ये लोग कौन थे और इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 जून 1994 से। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था तो विश मैं अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थी ज़ेबा अख्तर। ज़ेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था, लेकिन ज़ेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी और 7 जून 1994 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया करवाया था। 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली, इनमें सुभाष गई और मोहरा फेम राजीव राय का भी नाम शामिल था। दोस्तों, नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच तनातनी। फिर आया साल 1997। उस साल नदीम श्रवण जोड़ी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च की। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीद के इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। दोस्तों, गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए बयान के अनुसार गुलशन ने नदीम से कहा था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी, टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए। प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने के चलते फिल्म फ्लॉप हुई है। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की आवाज थी। वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, सलेम ने कहा। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की मांग की। इसी कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। अबू सलेम को साल 2005 में प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अबू सलेम को कॉल किया। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात ये थी कि सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। बोला, तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ये कहकर सलेम ने फोन काट दिया। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार गलत थे। एक महीने पहले ही निर्देशक राजीव रॉय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। उसमें पहले अबू सलेम ने सुभाष घई पर हमले की प्लानिंग भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़कों को पहले ही पकड़ लिया। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने अबू सलेम से बात की थी। रिपोर्टर ने सलेम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ कोरी हैं? सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ एक हफ्ता और इंतजार करो। बहुत कर ली पूजा। जी हाँ, वो हफ्ता आया अगस्त में। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर ही रुक गया था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होता है। कुमार देखते हैं, नीली जीन्स पहने लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? हत्या का पूरा घटनाक्रम दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ओर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लगती है और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। कुमार अब तक एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े होते हैं। दो लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ और गर्दन पर लगती है। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निढाल हो जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी थी जिस पर देवी का चित्र था।
दोस्तों कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींच कर निकालते हैं और टैक्सी लेकर चंपत हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के कपूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की थी। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलीम का हाथ था। उसने यह भी बताया कि डायरेक्टर राजीव रॉय पर हमला भी सलीम ने करवाया था और ये सब दाऊद के इशारे पर हो रहा था। दोस्तों क्या आपको पता है कि नदीम सैफी और अबू सलीम पर केस क्यों नहीं हुआ? दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अबू सलीम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया जाएगा। इनमें से एक था असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो अबू सलीम का खास था। मर्चेंट और उसका भाई अब्दुल राशिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया जाता है। गुलशन कुमार की हत्या के बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई और अंडरवर्ल्ड का दबदबा इंडस्ट्री पर खत्म होने लगा। इसमें अबू सलीम नदीम सैफी के साथ साथ और नाम था जो चौंकाने वाला था। टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी, पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की 25 तारीख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अबू सलीम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चला। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुई समझौते की शर्तें। इस समझौते के अनुसार अबू सलीम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिस पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलीम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया। तब अदालत ने अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलीम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलीम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी आज भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत का दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आगे किस मर्डर मिस्ट्री को जानना चाहते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।